हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम दोस्त लाइफ साइंस के रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और हम डिटेल में पढ़ेंगे लाइफ साइंस में। दोस्त, जो आरआरबी जेई है उसमें हमारा साइंस का वेटेज है CVT 1 में 30 मार्क्स का, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का लाइफ साइंस का वेटेज रहेगा। तो उसमें क्या है दोस्त कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिस पे आरआरबी जेई के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, पर एक चीज़ देखता हूँ कि उन्होंने क्या करते हैं कि आपका समय बहुत बर्बाद करते हो, समय बहुत किल करते हैं। आपको ये बताने के लिए कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स आएगा, वो आपका 1 घंटा या 40-45 मिनट ले लेते हैं। आपका 40 मिनट तो बर्बाद हो गया, और पता क्या लगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपसे की रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे चैनल से दूर रहें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आइए, अब समय बिना गवाए अब बात करते हैं अपने चैनल के बारे में। क्या दोस्त कि आपको कम से कम समय में, यानी कि छोटी से छोटी वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइंस का आज इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो सिर्फ नाम मात्र का ही इंट्रोडक्शन है, पर आज हम कुछ ना कुछ यहाँ से स्टडी करके ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस इन्वॉल्व द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड लाइफ। क्या दोस्त की लाइफ साइंस के अंदर जितने जीवित प्राणी है, वनस्पति है, उसके बारे में हम साइंटिफिकली डिटेल स्टडी एंड एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि अरस्तू साहब को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्त कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो लोग बायोलॉजी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जूलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्राणी विज्ञान। सेकंड है बोटनी, जिसको हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। अब यहाँ देखते हैं कि जो अरस्तू साहब है उनको जूलॉजी का फादर बोला जाता है, और इधर जो वनस्पति विज्ञान है उसका फादर किसको बोला जाता है, थियोक्रेटस साहब। अब ये तो हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं दोस्त कि जो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स है वीडियो, उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो जो जियोलॉजी के पार्ट है उसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। तो उसमें आपका, हाँ ये, उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सेल्स, जिसको हिंदी में कोशिका बोला जाता है। उसके बाद ब्लड को पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र को पढ़ेंगे, फिर नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र, इसमें किडनी उडनी होता है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, ये क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन, ये क्या है, पोषक पदार्थ और विटामिन के बारे में फुल डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या दोस्त कि पहले एग्जाम में इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ही देखा गया कि जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही गया है। आइए अब इधर देखते हैं बोटनी में। बोटनी में क्या है कि प्लांट किंगडम के अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, पादप उत्तक, प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर प्लांट डिजीज यानी पादप रोग के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन यानी कि पादप प्रजनन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्त कि, हाँ यहाँ पे देखिए, जो मदर्न फादर मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पिता किसको बोला जाता है, तो ये है अपना लेनियस साहब। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहली बार टेक्निकल यानी कि साइंटिफिक टाइप से सारे जीव जंतु पेड़ पौधे को अलग अलग वर्गीकृत किया था। अब क्या है कि नीचे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बायोलॉजी, इसमें क्या है दोस्त कि बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं बायोलॉजी में, जिसको अंदर हम एक स्पेसिफिक चीज़ को स्टडी करते हैं। तो पहला देखते हैं क्या है ये एपिकल्चर, इसमें क्या होता है रेनिंग ऑफ हनी बी, यानी कि जो जिसमें मधुपालन के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एपिकल्चर। नेक्स्ट है आपका एंथोलॉजी, इसमें क्या होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जिसमें फूलों के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद है आपका डर्मेटोलॉजी, इसका क्या है स्टडी ऑफ स्किन्स यानी कि चमड़ों के बारे में, जिसमें हम डिटेल में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ स्किन्स,
जिसके लिए अलग से टर्म है डर्मेटोलॉजी। आइए दोस्त अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है आपका जाइनिकियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। उसके बाद एजिथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश, इसमें मछली के बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, यानी कि कवकों का अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी। क्या दोस्त की थोड़ा मुश्किल होता है टर्म्स रिमेंबर करना, पर आपको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये आते ही आते हैं। तो जैसे कि आपको हो गया माइकोलॉजी, फंगस क्या होते हैं, कवक की सड़े गड़े बरसात में उग जाते हैं कहीं भी, तो हम उसको बोलते हैं उसको मार दो, उसे हम रिमेंबर कर सकते हैं माइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ओडोंटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ टीथ, इसमें क्या हम दांतों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपका पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, इसमें फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी है तो सबको पता होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। नेक्स्ट है आपका फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अल्गिया, शैवाल। शैवाल जो है घास टाइप का होता है, इसको देखते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको यार फेंक दो, यानी कि फाइकोलॉजी से रिमेंबर कर सकते हैं फाइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑरिथनोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसमें बर्ड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नैक्स, इसमें हम सांपों के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। जैसे अब इसको कैसे रिमेंबर करेंगे, ऑफियोलॉजी, जैसे कोबरा होता क्या बोलता है, फों, यानी इसे हम रिमेंबर करते हैं तो ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट दोस्त ऐसा है कि कुछ साइंटिफिक नेम है जो कि हमारे साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च में यूज किया जाता है, उसको उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी देखते हैं। आइए नेक्स्ट कि कौन कौन से नेम है जो इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका मैन का, इसको बोला जाता है होमो सेपियंस। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखेंगे जैसे आदमी जो होता है ना घरेलू प्राणी होता है, यानी घर बना के रहता है, तो इसे हम रिमेंबर कर सकते हैं होमो सेपियंस। नेक्स्ट आप गए कैट, क्या दोस्त बिल्ली जो होती है ना घर में छलांगे लगाते रहती है, गिरते रहती है, फेल कर जाती है, तो इसे हम रिमेंबर कर सकते हैं क्या, फेलिस डोमेस्टिका। अब नेक्स्ट है आपका मैंगो, मैंगो क्या है, मैंगी फेरा इंडिका, तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता मैंगो से, तो इसे ये तो वैसे ही रिमेंबर कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया फ्रॉग, फ्रॉग को राना टिगरीना, क्या होता है दोस्त की जो बरसात का मौसम आता है ना, तब जो फ्रॉग होते हैं वो ट्रिंक ट्रिंक आवाज़ निकालते हैं, इसे रिमेंबर कर सकते हैं हम राना टिंगरीना, किसको बोला जाता है, फ्रॉग को बोला जाता है। नेक्स्ट है डॉग, डॉग का क्या है कि कैनिस फैमिलियारिस, क्या होता है दोस्त की सबको पता है कि जो कुत्ते को सबसे पहले लोगों ने पालतू बनाया, यानी कि हम अपने घर में एक फैमिली मेंबर की तरफ उसको पालते हैं, इसे हम रिमेंबर कर सकते हैं कि कैनिस फैमिलियारिस। उसके बाद नेक्स्ट है काऊ, बॉस एंडिकस, क्या दोस्त की हम इंडिया में गौ को माता मानते हैं और हमारे घर में माता क्या होती है, बॉस होती है, इसलिए हम इसे रिमेंबर कर सकते हैं बॉस एंडिकस। अब नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, मोस्का डोमेस्टिका। उसके बाद है वीट, यानी कि गेहूँ, गेहूँ को क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवियम। उसके बाद नेक्स्ट है राइस, राइस का क्या, ओरिएजा सेटिवा। और उसके बाद नेक्स्ट दो है, एक आपका पिकॉक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पीकॉक है उसको बोला जाता है पावा क्रिस्टस। उसके बाद नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर को क्या बोला जाता है, पैंथरा टिग्रिस, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पे आज लाइफ साइंस का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और दोस्त अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, और एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्त आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहां से आपको नई वीडियो अगर डालेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।